हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, आपके माइंड में जो पर्सन चल रहा है, हम पहले देखेंगे ये पर्सन इस वक्त कहाँ बिजी है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इस वक्त आपके माइंड में पर्सन है वो इस वक्त अपनी लाइफ में कहाँ बिजी है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। पर्सन ऑन योर माइंड, वर्ल्ड, इस पर्सन की लाइफ में कोई साइकिल एंड हो रहा है और एक साइकिल बिगिन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, बिल्कुल एक, यहाँ पर ये पर्सन किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, पास में किसी कंफ्यूजन में, किसी ऑप्शंस में, या बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक रहा है, जिधर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू साइकिल जो अब स्टार्ट हो रहा है। जो पास्ट वाला साइकिल खत्म हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक एक डार्क साइड का था, बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन, एक एक जैसे एंजाइटी रही है, एक अकेलापन रहा है, जैसे लोगों के साथ होते हुए भी लोगों का समझ ना पाना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन रही है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में कार्मिक्स से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इस पर्सन की कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। जैसे कभी कभी किसी की लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी कनेक्ट हो जाती है जो कार्मिक होती है, जो बहुत ज़्यादा एक एक नेगेटिव होती है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा एक ऐसा ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसी ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें एक हैप्पीनेस हो, जिसमें एक फुलफिलिंग लाइफ हो, स्टेबिलिटी हो, न्यू बिगनिंग हो। और इस बात की मतलब किस पर्सन को आगे की तरफ अब श्योरिटी होगी, जो न्यू एक साइकिल स्टार्ट होगा, या तो जो न्यू साइकिल स्टार्ट ही करना चाह रहा है उसमें इसको कन्फर्म पता है कि जहाँ ये बढ़ रहा है वो स्टेबिलिटी लाएगा इसकी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कोई ना कोई कार्मिक लोगों के फेस सामने आए, जो चीज़ें एंड हुई हैं, कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही हैं, कार्मिक थर्ड पार्टी थी, कार्मिक पेरेंट्स थे, कार्मिक लाइफ थी, कार्मिक फ्रेंड्स थे, जो भी चीज़ें कार्मिक थी उनके चेहरे सामने आना, हर किसी का वन बाय वन एक तरीके से इसके सामने आना। ठीक है, उन सब चीज़ों का इसके सामने आना। ठीक है, अगर इसके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसको समझ में नहीं आता था कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल कार्मिक चीज़ें एंड हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स थे उनसे, जितने भी एक नेगेटिव उनका एक रिश्ता रहा है, नेगेटिव उनकी बाउंडिंग रही है, वो सब खत्म हो रही है। हमें वन कार्ड चाहिए होता है एक बार में, जजमेंट, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन है इस पर्सन की लाइफ में, कोई डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है इस वक्त। डिवाइन यहाँ पर इसकी लाइफ में इसको एक मजबूर कर रहा है कि अपनी लाइफ में से जितना भी जो लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को एक नेगेटिव जोन में लेकर जाते हैं, जो इसको परेशान करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसको स्टक करते हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी का एहसास दिलाते हैं, उन लोगों से कट ऑफ करना, उन लोगों से किनारा कश होना, एक अलग अपनी दुनिया में जाना, मतलब कि समझ पा रहा, मैंने कहा ना एक रियल फेस लोगों के देख रहा है, उसके लिए कुछ अब ये कर रहा है। अब लोगों के फेस, अगर ये रियल फेस इसके सामने आ रहे हैं आपके पर्सन के, तो उसके लिए एक्शन ले रहा है। आप खामोशी से बैठकर, ये एक कावर्ड बन के नहीं बैठा हुआ, इसको जो अपनी लाइफ में चाहिए, इसका माइंड इसको बार बार कह रहा है उठो और उसके लिए फाइट करो, मतलब अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसके लिए लड़ो, उसके लिए फाइट करो। कार्मिक हैं तो उनको हटाओ, कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई किसी की कार्मिक मैरिज है, या किसी का कोई कार्मिक पार्टनर है, ख़त्म करो उस चीज़ों को। अगर कोई पेरेंट्स कार्मिक है तो उनके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है जहाँ ये है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ सब कुछ करके भी एक अकेलापन है जो उसको नज़र आ रहा है इसकी ज़िंदगी में। ये अपनी लाइफ में किसी सक्सेस की तरफ जाना चाहता है, ये इमोशनली किसी आपसे किसी मैरिज
मैरिज वे में ये आना चाहता है, यहाँ पे एक मैरिज करना चाहता है आपसे, उसके लिए मैरिज के लिए कोई एफर्ट करना चाह रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रही है और यहाँ पर आपके पर्सन को गाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। बिल्कुल कट ऑफ कर रहा है सारी नेगेटिविटी ये पर्सन अपनी लाइफ से। देखें, हर नेगेटिव सिचुएशन, हर नेगेटिव पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड सिचुएशन जो इसको सर्व नहीं करती, जो इसके फ्रेंड्स हैं जो इसको सर्व नहीं करते, जो भी इसकी चीज़ें जो इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनती हैं, जिसकी ज़िंदगी में थर्ड सिचुएशन लेकर आती हैं, जो ये पास में बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा रहता था, उन सब चीज़ों पे बात नहीं करता था या डिस्कस नहीं करता था, वो सब एंड कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ कट ऑफ कर रहा है, हर नेगेटिव सिचुएशन कट ऑफ कर रहा है, हर नेगेटिव इंसान को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहा है। जो भी इसकी ज़िंदगी में नेगेटिव रहा है उसको निकालने के लिए तैयार है। पास में होल्ड बैक करके रहता था हर चीज़। इसने आपको यहाँ पर बहुत कुछ है जो इसने हाइड करा, कहीं ना कहीं आप इसको समझते हैं कि इसने आपके साथ गलत करा, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में था, ये समझ नहीं पा रहा था इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब इसको पता है इसको क्या चाहिए और इसको आपकी तरफ कब एक्शन लेना है। पहले ये अपनी लाइफ का जितना भी मैस है ना, ये सब कट करेगा, सब क्लियर करेगा, फिर आपकी तरफ कुछ करेगा ये, ठीक है। आपकी तरफ फिर कुछ एक्शन लेगा, मतलब कि समझ रहा है जो चीज़ इसको सर्व नहीं करती, जो इसकी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, उनको ख़त्म करना लाजम है। बिल्कुल एक स्ट्रेंथ गैदर है इसके पास, इसके एक स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है, जब तक ये स्ट्रेंथ नहीं लाएगा, जब तक ये चीज़ों को खुद हैंडल नहीं करेगा, ये अपनी लाइफ का जब तक कंट्रोल खुद नहीं लेगा, तो यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिविटी में, कन्फ्यूजन में रहेगा। यहाँ पर ये अगर तीसरे चौथे लोगों की बात सुनता रहेगा तो ये आपसे हमेशा दूर रहेगा, या जो इसकी खुशियाँ हैं उनसे हमेशा दूर रहेगा, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है, एक एक काम एंड सूदिंग एनर्जी चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, आपके लिए पर्सन क्या सोच रहा है। बहरहाल अपनी लाइफ में जितना भी एक मैस है ना, जितना भी जो कार्मिक सिचुएशन है, जो जिसमें ये खुश नहीं रहता, जिसको खुश नहीं रहने देती, वो सब चीज़ें ख़त्म कर रहा है। बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है ये आपकी तरफ आ रहा है, अपनी लाइफ का हर मैस ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है, न्यू बिगनिंग कर रहा है। बिल्कुल चैरियट के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है ये वही ऑफर अब आपको देना चाह रहा है जो आपको जो आप इसको पास में सर्व कर रहे थे, जो पास में आप इसको ऑफर दे रहे थे, वो ऑफर ये आपको वापस देने वाला है। ये कब इसको ये अब समझ चुका है कि आप इसके लिए एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। जो और सिचुएशन है वो सिर्फ टेम्परेरी है, वो सिर्फ इसको सिर्फ तकलीफ देने के लिए, वो सिर्फ इसको डिस्टर्ब करने के लिए। दी चैरियट के साथ आगे की तरफ मूव करना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। इसको पता है अब इसको यहाँ पर आगे की तरफ आपके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। मैंने कहा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं, जो इसकी टॉक्सिक इसकी लाइफ में जो इसको टॉक्सिक वे में कंट्रोल करती थी, वो हर चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपके लिए क्या फील कर रहा है ये पर्सन, मिस कर रहा है, सेकंड चांस चाहता है, मिस कर रहा है, सेकंड चांस चाहता है, आपको एक बिगनिंग करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, एक मिसिंग एनर्जी है। इसको पता है इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका एक टॉक्सिक और एक ऐसा नेचर रहा है जिसने जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर, जितनी भी ऐसी चीज़ें थी उन सबको मैनिफेस्ट कर रहा है। जो यहाँ पर आप लोग के बीच एक जो बाउंड था ना, वो जो ख़त्म हो गया था, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो बाउंड इसी ने ख़त्म किया था, क्योंकि यहाँ पर ये मैनिपुलेटिव बहुत रहा है। अगर इसने कुछ किया है तो आपको इसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती कभी इसने एक्सेप्ट करना नहीं सीखा, मतलब कि या तो उसका जवाब नहीं देना, इसने की बिहेवियर करके निकल जाना, या तो उस गलती को मानना नहीं कि इससे नहीं हुई या किसी और ने करी है। इसने बहुत ज़्यादा पास में जो है ना माइंड गेम्स खेले हैं यहाँ पर, लेकिन अब एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके पास सारे टूल्स हैं यहाँ पर हर चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ये एक स्मार्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा शार्प है, दिमाग बहुत चलाता है। अभी भी इसकी कोशिश रहेगी यहाँ पर एक कोई गेम खेल कर, कोई मैनिपुलेट कर इस सिचुएशन को दोबारा सेट करने की, मतलब कि
कोई भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं रहना लेना चाहता, इमोशनल है, बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट करने की आदत नहीं है, यहाँ पे एफर्ट करने की आदत नहीं है, इसलिए एफर्ट नहीं कर पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा इस सिचुएशन में, मिस कर रहा है, याद कर रहा है इस वक्त ये, लेकिन सामने से नहीं आना चाहता। क्या फीलिंग्स है इसकी? साइलेंट है, काफी ज्यादा साइलेंट है, खामोश हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों की, सोच रहा है आपके बारे में कि क्या करना चाहिए इसको, यहाँ पर क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, नजरें आपकी तरफ है क्योंकि उसको पता है स्टेबिलिटी आपके साथ है, आपको एक ऑनेस्ट और लॉयल इंसान की तरह देखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको पता है कि ये आप इधर जानते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी है, उसके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स हैं, इसलिए आपका ध्यान अपनी ही चीज़ों पे है, अपनी लाइफ पे है, अपने कैरियर पे है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को आप बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको देख रहा है आप कैसे बिजी हो चुके हैं कि अब आप यहाँ पर ना कोई इसको मैसेज कर रहे हैं, ना इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोल्ड है, डिटैच है, खामोश है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, इसका माइंड है आपकी तरफ आने का। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर एक डीप डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, रिपीटेड वे में एक ही चीज़ को सोचे चले जा रहा है, जबकि एक बार में सोच कर कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ईगो इतनी इजाज़त नहीं देती, अभी भी आपका वेट है, अभी भी जब ये और कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करने की कि आप खुद से वापस आ जाएं, आप खुद से इसको टेक्स्ट कर दें, इस वक्त जो है ना ये आपको देख रहा है कि ये चाहता नहीं है कि आपको खोए, अपनी ज़िंदगी से कहीं और जाने दे, क्योंकि ठीक है इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा है कहीं ना कहीं, पास्ट में नहीं रहा तो इस वक्त इसको अंदाज़ा है आपकी वैल्यू का। टावर, ओके, रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है आपके लिए, लेकिन रियलाइजेशन जब ही हुई है जब ये इसने कार्मिक अपने कॉर्ड्स कट करें, कार्मिक सिचुएशंस एंड कट करें, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल चेंज हो रही है आप लोग की, इट मीन्स यहाँ पे कोई कार्मा ख़त्म हो के और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, तभी इसको ये रियलाइजेशन है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बिगड़ चुकी हैं, आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ठीक है, आपको एडमायर करता है, आपको मिस कर रहा है, सबसे ज़्यादा आपको अपना एक दोस्त भी मानता है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेस्टिस एंड हेरोफेंट, ये एक काउंटर पार्ट है, आपको पता हो या ना पता हो मैं आपको बता दूँ, ये दोनों काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं टैरो में कि ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ये भी बहुत इंट्यूटिव होता है और ये हाई प्रेस्टिस भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, इस वक्त ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है कि इसको आपका वेट करना चाहिए या आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है लक आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ये सब कुछ आपके फेवर में, अब पूरी सिचुएशन जा चुकी है, ये इस बात की इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है, पहले तो ये सब कुछ टावर मूवमेंट लाता था, लेकिन अब आपने अगर इसने वहाँ से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है तो आपने यहाँ पर सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है, यहाँ पे कोशिश के बजाय आपने यहाँ पर बोला है कि आप खामोश रहे हैं, मैं यहाँ से सब कुछ बंद करके इस सिचुएशन को वाइंड अप करके मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, और इसको रियलाइजेशन है आपके यहाँ से जो इस तरीके से आपने एक आपने बिना किसी डरे कि ये बंदा आपकी ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, ये इंसान आपको छोड़ देगा, आपने इस सिचुएशन को एंड करा, लेकिन आपने इस सोच में एंड नहीं करा कि ये वापस आएगा, आपने यहाँ पर जेन्युइनली इस सिचुएशन को एंड करा, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इसकी एनर्जी से, आप इसको कुछ प्रोवाइड करते हैं और ये आपको एक सिर्फ बदसुकूनी प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं, जिसमें सिर्फ स्टकनेस है, जिसमें जैसे आपका मेंटली पीस ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे एक सेल्फ लव की ज़रूरत है। ठीक है, और जो आपको अब शायद समझ में आ रहा है, जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, वो इस वक्त आपको ही अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, कुछ अपनी सेल्फ के लिए, इंडिविजुअल सेल्फ के लिए आप यहाँ पर कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ? इमोशंस तो हैं काफ़ी ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स,
कोई एक्शन लेने में ये इतना कतरा क्यों रहा है? ये पर्सन अपने इमोशंस को बता नहीं रहा, बहुत इमोशंस हैं उनको बता नहीं रहा, डिस्कस नहीं करता, आपको बताता नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? कंफ्यूज है किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताए, ए टू जेड कहानी कैसे सुनाए आपको अपनी, ठीक है? वर्क करना चाहता है इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, इसको ये कैसे आपको बताए मेरे जितने भी ऑप्शन रहे हैं उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो तुम या थे तुम या रहे तुम, कुछ इस टाइप की इसके ये चाहता है आपको कहना, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसको पता है कि आप यहाँ पर इसको एक एक फिटेड है, ये आपका मिलना, एक साथ आना, एक दूसरे से बात करना ये आसान नहीं था, ठीक है? वर्क करना चाहता है इस सिचुएशन में। अब ये जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से वर्क करना चाहता है। पास्ट में इसने आपको 3 4 5 साल बहुत ज़बरदस्त इसने आपको रुलवाया है। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे किसी किसी के लिए 8 ईयर्स हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 1 ईयर हो सकता है और किसी किसी के लिए 7 ईयर्स। स्ट्रॉन्गली एक न्यू बिगनिंग चाह रही है पर्सन आपसे, स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, इस रिश्ते को हील करना। ये जो हैंगमैन की सिचुएशन है ना, यहाँ से स्टक, जो ये अब खुद को स्टक समझ रहा है, इसने पहले आपको स्टक किया, ये सब बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है? इस हैंगमैन की सिचुएशन से निकल कर यहाँ पर एक बैलेंसिंग पोजीशन बनाना चाह रहा है इस रिश्ते में, बिल्कुल आपकी तरफ आना चाह रहा है। रश, एक एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये एफर्ट करना चाह रहा है इस रिश्ते में। इसका न्यू, इसका जो एक नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में डूबे रहना। सबसे पहले तो ये अपने इमोशंस को बहुत फील करने वाला है इस वीक, और ये समझने वाला है कि आप कितने ज़रूरी रहे हैं, इसने आपको आप इसकी लाइफ में कितने लोग रहे, उसमें से आपकी क्या वैल्यू रही है, उस बात को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है? हील करना चाह रहा है, ये हील नहीं है इस वक्त। मैं आपको बता दूं, एक जिसका इसका मेंटली पीस तबाह हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपने इस सिचुएशन को एंड कर दिया है। इसको हीलिंग की नीड है आपसे, इसको नहीं समझ में आ रहा, इसने जो इतनी चीज़ें होल्ड बैक करके रखी ना, इन सब चीज़ों ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ये बात इसको समझ में आ रही है, ठीक है? ये आपको एक अपनी पावर में देख रहा है। ये कार्ड मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि आपको सही से नज़र आए। ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं इसको होप है ये ट्रांसफॉर्म कर देगा इस सिचुएशन को, लेकिन ये बात जानता है यहाँ पर इसने बहुत कुछ हाइड करके रखा, आपको हर बात वो नहीं बताई जो इस रिश्ते में आपको भी मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको इतनी प्रायोरिटी दी नहीं, इतनी वैल्यू दी नहीं, तो ये क्या बताता खाक आपको, ठीक है? ये आपको देख रहा है सिंगल, लेकिन आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी हैं, एक स्टेबल पर्सन की तरह हैं। आप यहाँ पर किसी मैरिज मैरिज के लिए किसी पर्सन को सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये आपका कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है? ये कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, आपको स्टेबल भी देख रहा है, इंडिपेंडेंट भी देख रहा है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी भी और इंडिपेंडेंस भी, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल सिचुएशन में। किंग ऑफ कप्स, इसको पता है आपके पास इमोशंस हैं इसके लिए, ये आपके साथ चाहता है इक्वल गिव एंड टेक। टू ऑफ कप्स यहाँ पे है, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है फोर ऑफ वैंस, ये आपसे अब एट दी एंड यहाँ पर इसको समझ में आ जाएगा आप एक स्टेबल पर्सन है, तो स्टेबल ही रिश्ता आप चाहेंगे। ये बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आपको आने वाले वक्त में प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर आप इससे कम पे इससे मानेंगे नहीं, मतलब कि आप जो डिजर्व करते हैं आप उससे कम पे किसी से नहीं मानेंगे। आपने शायद इसको बताया आप मैरिज करना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली मैरिज करना चाह रही है, या आपके मैरिज के लिए यहाँ पर कोई कोई आप अगर लड़का है तो कोई लड़की सर्च की जा रही है, अगर लड़की है तो किसी के लिए कोई लड़का सर्च किया जा रहा है, मतलब कि बात इसके माइंड में है। यहाँ पर अब आप किसी तरीके का इंटरटेनमेंट या रिश्ता नहीं निभाने की आप उसमें हैं, आपको मैरिज करनी है, अगर इसने नहीं की तो आप किसी और से कर लेंगे, तो ये आपको मैरिज ऑफर देना चाहता है, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? एक्सेप्ट एंड रिसीव, आपको जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है बस आप एक रिसीविंग एनर्जी पे रहें, आपने जितना देना था दे दिया, आपको अब रिसीविंग पॉइंट पर आना है और एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आप वो रिसीव करें। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई कोई सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है? कुछ कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रिएटर अर्थ, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने के लिए आए, ठीक है? यहाँ पर कुछ, यहाँ पे आपका कोई काम इस किसी चीज किसी भी वे में सिचुएशन को क्रिएट करना है, कोई कुछ भी क्रिएट करना है यहाँ पर। चूज हु आर योर बिकमिंग, ठीक है? यहाँ पर आप चूज करें यहाँ पर आप क्या चाहते हैं। 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, रॉ इंट्यूशन, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को सुने यहाँ पर,
इस सिचुएशन में आप जो कुछ भी चाहते हैं, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, अगेन यहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड, एक शुक्र की एनर्जी में रहें, आपको शुक्र करना चाहिए जो भी आपकी लाइफ में, आप उसको यूनिवर्स को थैंक कहें, ठीक है। द गुड काइंड, यहाँ पे आप एक अच्छे इंसान की तरह, एक काइंड पर्सन की तरह रहें, मतलब कि आपकी जो भी काइंडनेस है, जो आपकी जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास गिफ्ट हैं, आप उनको भूलें नहीं, उनको अपने साथ साथ रखें, अपने इंट्यूशन को सुने। और अब आपको रिसीव करना है, आपका टाइम एक रिसीविंग का स्टार्ट है। मैं ये नहीं कह रही रिसीव ही करते रहें, मतलब कि बैलेंस रखें, एक्सेप्ट करें और रिसीव करें सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में मतलब कि स्टेबल माइंडेड हो जाएं, कुछ करना है तो उसको डिसाइड करें, बार बार हाँ ना में मत जाएं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।